है मेरे चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि आप लोग INS चिल्का में जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बनवाने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन बनवाने पड़ते हैं, तो वो सारे चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, स्टेज का एडमिट कार्ड होगा और उसके बाद में जब आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया होगा तो सेकंड स्टेज आप क्लियर करने के बाद दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आऊं तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट है, वहां पे कोई मुझे ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करेंगे दोस्तों और मुझे एक सपोर्ट जरूर सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं देर ना करते हुए आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट बताऊंगा। ये मेरे हाथ में ये फर्स्ट और मैं आपको सारा चीज बताऊंगा A to Z। ये मेरा फर्स्ट स्टेज का एडमिट कार्ड है और ये सेकेंड स्टेज का एडमिट कार्ड है, ये मेरे स्टूडेंट का है, ठीक है। ये आपको ये दोनों स्टेज का एडमिट कार्ड पहले कैरी करना होगा। उसके बाद में आता है कि आप अपने जिले में यानी बिहार और झारखंड में जो अपने जिले ब्लॉक लेवल के पहले नंबर ब्लॉक लेवल के आपको सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि आप लोग पहले जाएंगे साइबर में जाने के बाद में आप लोग बोलेंगे हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वहां से साइबर वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर देगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद मात्र दो दिन से तीन दिन, ठीक है दोस्तों, मात्र बनने के लिए समय लगता है। उसके बाद बन जाने के बाद में आप एक मेल पे या आपके नॉर्मल मैसेज में मैसेज आ जाता है कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में फिर साइबर में जाना है आपको और उसी चीज को लेकर आपको बोलना है कि हमें ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनाना है, ठीक है। ये नहीं है दोस्तों, मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो आप जब साइबर कैफे के पास जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे कि भैया हमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनवाना है। तो जैसे कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल बना दो, वही साइबर वाला आपका अप्लाई कर देगा, वो मात्र दो दिन से तीन दिन में बन के रेडी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और फिर जब आपका INS चिल्का जाने के लिए रेडी हो जाते हैं आप लोग, तो उससे 5 से 7 दिन पहले आप लोगों का ये SP ऑफिस मेन यही है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे मेन यही डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अगर ये आपके पास नहीं है आप 100% फेल हो जाएंगे दोस्तों, 100% मैं लिख दे रहा हूं, 100% आप फेल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 100% आप फेल हो जाएंगे। ये किस तरह से बनता है और मैं बहुत इजी तरीका आप लोगों को बताऊंगी कि ये बनवाने के लिए कितने कैंडिडेट बहुत चक्कर काटते हैं, कभी SP ऑफिस, कभी नजदीकी थाना, कभी मुखिया के पास। तो ये बहुत ही इजी तरीके से बनता है, किस तरह से बनता है तो आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात को। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने जिला में जाना पड़ता है SP ऑफिस, वहां से जाने के बाद में आप लोगों को ये मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम में ये मैं PDF डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप लोग SP ऑफिस में जाएंगे और ये नॉर्मली बेसिक चीज आपको फिलअप करने पड़ते हैं, जो कि नाम हुआ, आपके पिताजी का नाम हुआ, फॉर्म भर, आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं या आपके बिजनेसमैन हैं या जो भी। उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप करते समय में आप जो कट मार्क शरीर का दिए थे वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ता है। फिर उसके बाद में नीचे देख रहे होंगे कि नाम फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद में बस वही बेसिक जानकारी, जो अपने गांव का एड्रेस, फिर उसके बाद में ये ले जाकर आपको SP ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पे जो डबल स्टार और सिंगल स्टार के जो अधिकारी बैठे रहते हैं उनसे बोलना पड़ता है, सर हमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना, क्योंकि हमें INS चिल्का में ज्वाइनिंग करने जाना, इंडियन कोस्ट गार्ड का। और ये सेम ही नेवी के लिए भी होता है। मैं नेवी के ऊपर दोस्तों मैं छोटा सा यहाँ पे एक जानकारी देना चाहूंगा कि मैं लाइव आऊंगा 10 बजे, मैं लाइव आऊंगा आज 10 बजे, जो कि इंडियन नेवी का अग्निवीर का जो रिजल्ट आने वाला है और डेट पता चल गया कि कब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। तो आप लोग 10 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आज मैं क्लियर कर दूंगा कि नेवी का रिजल्ट कब आ जाएगा और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और क्या करने हैं, तो आज मैं नेवी के ऊपर क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग 10 बजे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों ये जाने के बाद में आप लोगों को सर को बोलना पड़ता है कि सर हमें ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सर बोलेंगे कि ठीक है। अब वहां पे आप लोगों को जो ये देख रहे हैं स्टाम्प मोहर, यहाँ पे मार के आपके नाम पूछ लेंगे, आपके पिताजी के नाम पूछ लेंगे और रजिस्टर मेंटेन करके आपको बोल देंगे कि 3 दिन बाद आप अपने नजदीकी थाना चले जाएंगे। नजदीकी थाना जाने के बाद में आप लोगों को एक मुखिया का पैड, तो मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को,
तीन दिन बाद आपको एक मुखिया जी का अपना जो भी गांव का जो भी आपके मुखिया जी होंगे उनके पास जाना होगा और बोलना होगा हमें आप अपने पैड पे आप लिख के दे दीजिए, तो वो लिख देंगे कि प्रमाणित किया जाता है, जैसे कि आपका नाम, जैसे मेरा विक्की नाम हुआ, तो जैसे प्रमाणित किया जाता है कि विक्की शर्मा सन ऑफ फादर का नाम, उसके बाद कि मैं इन्हें भली भांति पहचानता हूँ, फिर सर्टिफिकेट इन्हें प्रोवाइड किया जाए, ये लिख कर आपको और अपने फोटो और स्टाम्प मार कर दे देंगे। आप लोग अपने नजदीकी थाना में जाइएगा, ये नजदीकी थाना में जमा हो जाता है, जाने के बाद में आप लोगों के ऊपर, ये तीन दिन क्यों लेते हैं थाने वाले, ये भी एक रीजन है, ये तीन दिन इसलिए लिया जाता है दोस्तों, आखिर की तीन दिन में आप लोगों को देखा जाता है, तीन से चार दिन आखिर आप लोगों को रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, कभी किसी झगड़े की वजह से आप इन्वॉल्व हुए हो, तो इसके वजह से आप लोगों का रिकॉर्ड देखा जाता है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। उसके बाद में आप लोगों को सर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तुम दो दिन बाद या एक दिन या उसी दिन या उसके अगले दिन आपको बोल दिया जाएगा कि एसपी ओपी से जाकर आप लोग उठा ले, तो ये आप लोगों को ये फाइनली बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन कागज है ये डॉक्यूमेंट, पहला ये हो गया दोस्तों आपके फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का एडमिट कार्ड। ध्यान से सुने दोस्तों, अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, इनमें से कोई समय आप जुड़ जाए दोस्तों, या मैं अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दूं, आप लोग कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर एक सिंगल कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों, हर एक सिंगल कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों मैं, तो आप लोग ध्यान से बस सुने। उसके बाद आता है अगर आप एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, आप जो भी कैटेगरी से हैं, जैसे लाइक मान लीजिए ओबीसी हैं या एसटी हैं या एससी हैं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट का ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, जो कि अभी छुट्टी पे आए नहीं है, मैं भी उनसे मिलवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से अपना तैयारी किए थे, आखिर उनका सिलेक्शन हो गया था, तो आप लोग मैं उनसे जरूर मिलवाऊंगा दोस्तों। तो ये जैसे कि वो एसटी थे, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके निकाल लेंगे दोस्तों। ये पीडीएफ निकाल के बेसिक जानकारी जो मैं बोला वही से फिलअप करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों को तहसील में जाना पड़ता है, तहसील में जाने के बाद में पहले तहसील का ये मोहर और सिग्नेचर लगता है दोस्तों। मोहर और सिग्नेचर लगने के बाद में आप लोगों को फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनवाना पड़ता है, तो डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद में तो माफी चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा नेट का इशू था इसीलिए मैं वीडियो को पॉज कर दिया था और फिर चालू हो गया दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने दोस्तों, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाया हूँ ये सर और ऑफलाइन के लिए हैं, जो कि मात्र मैं बता रहा हूँ 4 से 5 दिन में ये बन जाता है। अगर आप सही प्रोसेस से बनाते हैं और सही जगह पे जाते हैं तो एकदम 4 से 5 दिन में बन जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब अब ऑनलाइन है, जो कि कोस्ट गार्ड का जब मेरिट आउट हो जाता है तो कोस्ट गार्ड की तरफ से जो भी उनके साइड पे जो भी डॉक्यूमेंट्स चढ़ाए जाते, तो वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे डाउनलोड करके वो डॉक्यूमेंट्स को भरना पड़ता है, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आपका हुआ विलिनियर सर्टिफिकेट हुआ, पैरेंटल सर्टिफिकेट हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली हुआ, ये फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ता है दोस्तों, ये फिलअप करके लेके जाना पड़ता है। और एक जैसे कि मेरिट, जैसे आपकी कोस्ट गार्ड का मेरिट आउट हो चुका है दोस्तों, ये मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों मेरा वीडियो बनाने, नहीं तो मैं पहले ही बना देता, थोड़ा हेल्थ इशू था दोस्तों इसीलिए मैं वीडियो को जल्दी नहीं बना पाया, लेकिन ये मेरा वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बेनिफिट करेगा जो कि नेक्स्ट वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है कोस्ट गार्ड का, और वो जब उनका मेरिट बनेगा तो ये वीडियो उनके लिए ज्यादातर मददगार साबित होगा दोस्तों। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि किस तरह से भरना पड़ता है, ये सारा फॉर्म मैं दोस्तों मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज इसे डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा और आप लोग जरूर इस फॉर्म को भर के लेकर जाइएगा दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, पहला नंबर की ये देख पा रहे होंगे, ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के कुछ खिलाफ है दोस्तों, इसीलिए मैं कोरा पेज दिखा रहा हूँ, आप लोग आराम से निकाल के फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। अगर जो भी अगर दिक्कत हो आप लोग हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से बोलूंगा मैं हर एक सिंगल कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि डिक्लेरेशन फैमिली मेंबर्स फॉर कास्ट कोस्ट गार्ड सर, तो आप लोगों को भरना कैसे पड़ता है दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे आप लोग जैसे कि कोई मैरिड है, जैसे कि अब कोस्ट गार्ड का 18 से 22 इयर्स तक रहता है, उसके बाद SC ST लगाकर SC ST के लिए 5 साल मिलता है, OBC के लिए 3 साल मिलता है, तो वो 27-28 साल के तक के चले जाते हैं। तो अगर मान लिया जाए किसी कोई मैरिड है तो उनका वाइफ का नाम, वाइफ क्या करती हैं, अगर भाई हैं तो भाई क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, बस यही नॉर्मल जानकारी लिखना पड़ता है।
उसके बाद में आता है विलीनेस सर्टिफिकेट। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये विलीनेस सर्टिफिकेट है, ये भी बस अपना नाम सिग्नेचर, जिस दिन आप ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस डेट का, वो डेट और वो आप सिग्नेचर और किस स्टेट से हैं और गांव का क्या नाम है वो भरना पड़ता है इसमें। उसके बाद में आता है ये फॉर्म पैरेंटल कॉन्टिनेंस सर्टिफिकेट। गर्मी है दोस्तों थोड़ा सा, पंखा भी नहीं चलाया क्योंकि आवाज से थोड़ा सा इश्यू होगा आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा मैं पंखा को बंद कर दिया हूं। अभी देख रहा हूं कि पैरेंटल कॉन्टिनेंस फॉर्म ये आप लोगों को ये फिलअप करना था, बेसिक जानकारी अपना नाम, पापा का नाम, गाँव और पिन कोड, बस यही। अब उसके बाद ये मेन ये है डॉक्यूमेंट, ये मेन डॉक्यूमेंट जैसे कि अटेंशन फॉर्म, ये है कितने पेज का, ये 7-8 पेज के रहते हैं, तो इस सब में फिलअप करना पड़ता है, इस सब में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा कोरा कागज है, ये देख रहे हैं, ये सब ये फिलअप करना पड़ता है आपको, ये देख रहे हैं ये सब। तो दोस्तों ये सारा वीडियो आप लोगों को इस दोस्तों, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये INS चिल्का में जाने के लिए आप लोगों को ये बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि मैं बता दिया था यहाँ पे कि इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज 3 INS चिल्का, जो कि INS चिल्का में आप लोग जाएंगे तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफलाइन और ऑनलाइन वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों का जाति आवासीय, ठीक है दोस्तों, जो कि डोमिसाइल होता है, बाकी ये जो कोस्ट गार्ड के वेबसाइट से जो फॉर्म निकालेंगे और उसको फिलअप करके लेकर जाएंगे वो वहां पे देखा जाता है। उसके बाद में आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन होगी, हमें बता दिया कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन क्या, मेरे घर पर कोई पुलिस वाला आके मुझसे पूछताछ या मेरे घर वाले से कोई पूछताछ या मेरे आस पड़ोस वाले से कोई पूछताछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं जाएगा, कोई पूछताछ नहीं करेगा। जब आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आप पे कोई ना रिकॉर्ड है, तो आपके घर क्यों जाएंगे वो, क्योंकि जब आपके पास, जब एसपी ऑफिस से आप, मैं क्या बोला था कि जब एसपी ऑफिस से आपके थाने, नजदीकी थाने में जब आपका कागज जाएगा तो 3 से 4 दिन क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि आपके नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसीलिए जगह अगर थोड़ा सा भी उन्हें शक लगा तो जा सकते हैं, अन्यथा वो नहीं जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स बनाकर लेकर जाए INS चिल्का। और एक मेन बात दोस्तों की 10 बजे जुड़ना ना भूलें दोस्तों। देखिए मैं एक टीचर दोस्तों, मैं एक टीचर हूं जो कि ऑफलाइन पढ़ाता हूं करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और जीएस। तो दोस्तों अब मैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लाइव का, तो थोड़ा सा बोलने में ईश्वर है दोस्तों। इसी तरह से अगर आप लोग सपोर्ट कर दें दोस्तों तो मुझे एक अभ्यास हो जाएगा दोस्तों, और इसी तरह से मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को अब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मैं 5 से 10 दिन बाद मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा छोटा बोर्ड है दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा बोर्ड बनाने के लिए दिया हूँ, जो कि बन के आ जाएगा, तो मैं अब यहाँ आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये मार्कर और ये बोर्ड, मैं यहाँ पे हूँ तो ये यहाँ पे खड़ा होना सबसे अहम बात है दोस्तों। कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है कि ये मार्कर और ये बोर्ड के सामने बोलना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़ी बात ये है कि जो मेरे स्टूडेंट है उन लोगों को किस तरह से, किस वे में हमको समझाना है, क्योंकि वो हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। हम किसी के भरोसा को तोड़ नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हम लोग अगर जो समझाते हैं तो वो उसी बात को विश्वास कर लेते हैं कि हाँ सर ने ये बताया तो यही बात होगा। तो हम किसी का समय को वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, और किसी को हम गलत जानकारी नहीं देंगे दोस्तों। तो प्लीज हम पर भरोसा करें, एक बार जुड़ कर